थोड़ा सा जब भी एक्टिविटी करते हैं तो खांसी शुरू हो जाती है, थोड़ा सा चलते हैं तो सांस में दिक्कत हो जाती है। मतलब कोविड होने से पहले की जो स्थिति है उसको कैसे हम वापस ला सकते हैं, जितना हम लेट नाइट डिनर करेंगे उतना डाइजेशन ठीक से नहीं होगा। कोविड 19 में प्रॉब्लम है कि आपके लंग्स की जो इलास्टिसिटी है, आपके लंग्स का जो लचीलापन है वो कमजोर है। पोस्ट कोविड रिहैबिलिटेशन, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के समय में कि कोविड 19 के इन्फेक्शन के बाद लोगों को सांस में दिक्कत, हार्ट रेट का बढ़ना, शरीर में दर्द होना, थकावट होना, नींद ना आना, बेचैनी होना, भूख ना लगना, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। पोस्ट कोविड 19 रिहैबिलिटेशन से मतलब हमारा ये है कि जो सांस से रिलेटेड जो दिक्कतें हैं जो पेशेंट को कोविड 19 के इन्फेक्शन के बाद हुई हैं, उन चीजों को बेटर करने में हम कैसे अपने आप को मदद कर सकते हैं, कैसे आप अपने लंग्स के फंक्शंस को बेटर करके अपनी लाइफ को उसी सीक्वेंस में ला सकते हैं जो कि प्री कोविड स्टेट थी, मतलब कोविड होने से पहले की जो स्थिति है उसको कैसे हम वापस ला सकते हैं, इन सब बारीकियों को हम समझेंगे। और इसको समझने के लिए सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि कोविड 19 का जो इन्फेक्शन है वो लंग्स में किस प्रकार से होता है, कैसे वो आपके लंग्स को खराब करता है। जब आप ये चीज़ों को प्रॉपरली समझेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि उसके रिहैबिलिटेशन में आप क्या क्या चीज़ें करें, कैसे आप स्टेप बाय स्टेप चलें ताकि आप अपने लंग्स के फंक्शंस को बेटर कर सकते हैं और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने में मदद कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए कोविड 19 में क्या है। कोविड 19 में आपने देखा कि पेशेंट को अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, फिर निमोनिया, फिर उसकी वजह से हार्ट में प्रॉब्लम, क्लॉट बनने की स्थिति और जनरलाइज बॉडी एक, सांस लेने में दिक्कत, ये सारी चीज़ें रही हैं। अब निमोनिया में हम चलते हैं, सबसे पहले लंग्स के इन्वॉल्वमेंट पे चलते हैं। कोविड 19 में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो लंग्स पे जो निमोनिया हुआ है उसकी वजह से जो लंग्स की जो इलास्टिसिटी है, मतलब जब आप सांस को गहरी खींचते हैं तो खींचने में जो लंग्स का एक्सपेंशन होता है, मतलब लंग जब खींचता है तो खींचने की जो क्षमता है लंग्स की वो खराब है। मतलब आपकी जो लंग्स की जो इलास्टिसिटी है, जो खिंचाव है, वो खराब हो चुका है, वो स्टिफ हो चुका है लंग, जो कि कोविड 19 में दिक्कत है। इसी वजह से जो पेशेंट्स हैं उनको थोड़ा सा जब भी एक्टिविटी करते हैं तो खांसी शुरू हो जाती है, थोड़ा सा चलते हैं तो सांस में दिक्कत हो जाती है, थोड़ा सा एक्टिविटी करते हैं तो ऑक्सीजन डिप कर जाती है। तो ये सारी चीज़ें कोविड 19 के इन्फेक्शन में हो रही हैं। तो मेन कंसर्न ये है कि कोविड 19 में प्रॉब्लम है कि आपके लंग्स की जो इलास्टिसिटी है, आपके लंग्स का जो लचीलापन है वो कमज़ोर है। अब ऐसे पेशेंट को ठीक करने का तरीका यही है कि हम अपने लंग्स को एक्सपेंड करके जितना देर तक होल्ड कर सकते हैं उसको, उस एक्टिविटी को अगर हम करते हैं तो हम अपने लंग्स के फंक्शंस को बेटर करते हैं। अब इसको सरलता से हम समझते हैं। देखिए, प्रॉब्लम है कि आपके लंग्स की इलास्टिसिटी कमज़ोर है, तो हमें करना क्या है, हमें लंग्स के एक्सपेंशंस पे काम करना है। मतलब हमें गहरी सांस लेनी है और जितनी गहरी सांस ले सकते हैं उतनी लेनी है, उसके बाद सांस को रोकने की कोशिश करनी है और काउंट करना है सेकंड्स में कि कितने सेकंड्स तक आपने अपनी सांस को रोका है। और यही मेन चीज है, इसको हम बोलते हैं ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी। जितना ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी आपकी बढ़ती जाएगी उतने लंग्स के कंप्लायंस बढ़ते जाएंगे, उतने लंग्स के फंक्शंस बढ़ते जाएंगे। तो कंसर्न यही है कि जितना आप धीरे धीरे अपने लंग्स के फंक्शंस को बढ़ाने के लिए आपको ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ानी है। मान लीजिए आपने आज स्टार्ट किया, आपने सांस गहरी ली और होल्ड किया और गिनती करी, जैसे मान लीजिए आपने 1, 2, 3, 4, 5 और उसके बाद आपको लगता है कि घुटन सी हो रही है, तो आपने धीरे धीरे सांस को धीरे धीरे छोड़ दिया। अब सांस को धीरे धीरे छोड़ने के बाद आपने नॉर्मल ब्रेथ ली, फिर उसके बाद आपने फिर गहरी सांस ली और फिर आपने ब्रेथ होल्ड करी और फिर काउंट किया। तो इस प्रकार से आपने जैसे 15-20 बार सुबह, 15-20 बार दोपहर को, 15-20 शाम को, इस प्रकार से तीनों टाइम आपने ये ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी की बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करी। तो आज मान लीजिए आपने मान लो 10 सेकंड अपनी सांस रोकी, तो कल का टारगेट आप लेके चलेंगे मैं 11 सेकंड रोकूंगा, फिर 12 सेकंड रोकूंगा, फिर 13 सेकंड रोकूंगा। तो ऐसे क्रम वाइज जब आप बढ़ाते जाएंगे तो आपकी ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। तो आमतौर पर जो पोस्ट कोविड में दिक्कत है यही है कि पेशेंट को जैसी खांसी आती है, जैसी थोड़ा सा भी एक्टिविटी करते हैं सांस फूलने लग जाता है। जब आप अपनी सांस को रोकने की कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपके लंग्स में जब एयर जाती है और जो ब्लड का फ्लो आता है वो दोनों मैच करने लग जाएंगे, जिसको VQ मैच बोलते हैं, जो कि कोविड 19 में VQ मिसमैच हो गया, मतलब मिसमैच हो जाता है, जो कि आपकी ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी से बेटर हो जाता है। तो ये एक्टिविटी जो है
आपके लंग के फंक्शंस को बेटर करने में मदद करती है और लंग रिहैबिलिटेशन में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो एक तो एक्सरसाइज ये है, दूसरा स्पायरोमीट्री आपने देखा होगा, आपने पता होगा जैसे बॉल को उठाने वाली एक्सरसाइज होती है, उसमें हमारा टारगेट ये है कि हमें इंस्पिरेटरी एक्सरसाइज करनी है, मतलब खींचनी है, मतलब सांस को अंदर की तरफ खींच के बॉल को ऊपर उठाने की कोशिश करनी है। और टारगेट ये है कि जितनी देर आप बॉल को ऊपर उठा के लटका के रखेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। तो हमारा टारगेट यही है कि जितना आपको सांस को खींच के उतनी देर थोड़ा सा बॉल को ऊपर लटका के रखेंगे उतना ही आपके लंग के एक्सपेंशंस बेटर होंगे और आपके लंग से कंप्लायंस इंप्रूव करने में मदद करेंगे। तो मेन बस कंसर्न यही है कि आपको अपनी ब्रेथ होल्डिंग पे काम करना है, अपनी ब्रेथ मूवमेंट्स पे काम करना है। आप जब वॉक करते हैं तो आप बातें ना करें, अपनी ब्रेथ को अपनी वॉकिंग के साथ मूवमेंट के साथ उसको रिदम में लेके आए, ताकि जो आपको रिदम जो डिस्टरबेंस हो जाता है जैसे आप चलते हैं जैसे आप एक्टिविटी करते हैं उसमें आपको बेटरमेंट मिले। इसके अलावा आप अपने न्यूट्रिशन पे बहुत ध्यान रखें, जो आप खाना खाते हैं, जो आप सब्जियां लेते हैं, जो फ्रूट्स लेते हैं उसको आप अच्छे से लें, वाटर इंटेक को आप बढ़ा के रखें, लेट नाइट डिनर को अवॉइड करें, क्योंकि जितना आप लेट नाइट डिनर करेंगे उतना डाइजेशन ठीक से नहीं होगा, क्योंकि पोस्ट कोविड में डाइजेशन के लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इनडाइजेशन की वजह से आपका खाना जो है वो सड़ने लगता है, जिसकी वजह से आपका पेट फूलता है और आपको ब्रीदिंग करने में दिक्कत होती है, कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको लेट नाइट डिनर को अवॉइड करना है, लाइट डिनर लेना है, स्लीप को टाइमिंग को प्रॉपरली लेना है, अपने आप को फ्रेश एयर में रखना है, जितना हो सके पेड़ पौधों के साथ रहें तो जितना अच्छा रहेगा। तो ये बारीकियां हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप पोस्ट कोविड में अगर इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हैं, जिसमें आपका रिहैबिलिटेशन मतलब लंग फंक्शन एक्सरसाइज है, खाना पीना है, टाइम पे सोना है, फ्लूड इनटेक है, नाइट डिनर को हल्का लेना है, जो बाहर का जो फास्ट फूड्स है उसको अवॉइड करना है, तो ये सारी चीज़ों से आप अपने लंग्स को बेटर कर सकते हैं और पोस्ट कोविड में होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, जो पोस्ट कोविड सिम्टम्स हैं उसको आप बेटर कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो में हमारा कंसर्न यही था कि आपको ये समझाना है कि पोस्ट कोविड से कैसे आप अपने आप को बचा सकते हैं और कैसे अपनी हेल्थ को बेटर करने में मदद कर सकते हैं।